गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन थ्योरी सेशन ऑफ सब्जेक्ट बेसिक फिजिक्स। माय नेम इज प्रणाली लाडे। आई एम फैकल्टी एट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एनआईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर। सो टुडेज टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। At last lecture we discuss about the Snell's law and its numericals. So today's topic is total internal reflection. So what is meant by total internal reflection? Now the total internal reflection, when ray of light passing through the denser medium is incident on the surface of rare medium at the angle greater than the critical angle, the ray is totally reflected in a denser medium. This phenomena is called as a total internal reflection. ठीक है, तो इसे हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट अस कंसीडर दिस इज द एक्स वाई प्लेन। ये क्या है? दिस इज द एक्स वाई प्लेन। दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंस मीडियम। When light rays travel from denser medium to rare medium, light rays कहां से जा रहे हैं? Denser medium में से rare medium में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब light travels from denser medium to rare medium? It get bend and away from the normal। उस दिन मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब light rays rare medium to denser medium में जाता है तो वो normal की तरफ bend होता है, लेकिन जब light denser medium से rare medium में जाता है तब वो away from the normal bend होता है। ठीक है, this is normal n, this is incident ray आई। ओके, ठीक है, तो अभी ये क्या रहा? डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है, एट द सरफेस में है अभी ये। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट गेट, दिस इज नॉर्मल एन एन डैश, इट गेट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हो रहा है? दूर जा रहा है ये नॉर्मल से। ठीक है, मीन्स इसका एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम ये इंसिडेंट एंगल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, वैसे ये एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रे। ये क्या होगा? ये ऐसे होगा। ऐसी कुछ सिचुएशन आएंगी, दैट टाइम दिस एंगल बिकम 90 डिग्री। ये ऐसे हो जाएगा, मीन्स यहां पर क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मीन्स इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दैट टाइम ये जो भी लाइट रेज आएगा फ्रॉम डेंसर मीडियम, इट गेट ओनली रिफ्लेक्ट इन डेंसर मीडियम। इट गेट रिफ्लेक्ट इन ओनली डेंसर मीडियम। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, दिस फेनोमिना इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन रे ऑफ लाइट travel from denser medium to rare medium, it get reflect
in denser medium. When the angle of incident is greater than the critical angle, this is the condition for total internal reflection. When angle of incident is greater than the critical angle, that time light get only reflect in only denser medium. This phenomena is called as a total internal reflection. इसे हम क्या बोलेंगे? Total internal reflection बोलेंगे. ठीक है बेटा? Okay student, this is the diagram for total internal reflection. ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया था. ठीक है, this is the diagrammatic representation of total internal reflection. I means होता है incident एंगल. ठीक है, आई वन, आई टू, आई थ्री. आई सी मीन्स होता है, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम. दिस इज एन 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 डैश, दिस इज द नॉर्मल. नाउ द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल एंगल. अभी मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया था, वहां पर मैंने आपको आईसी मीन्स क्या होता है, क्रिटिकल एंगल बताया था. ठीक है, क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल, ठीक है, 90 डिग्री उसका फॉर्मूला है. आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन. ठीक है, आई सी मीन्स होता है, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, एंड म्यू टू मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, एंड म्यू वन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. ठीक है, फॉर एयर, सपोज फॉर एयर म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमने क्या किया, 1 कंसिडर्ड किया, एंड फॉर डेंसर मीडियम म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू किया, तो हमें आईसी का सेकेंड फॉर्मूला मिलता है, आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू. ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, IC ये साइन इनवर्स है, इधर साइन इनवर्स है, हम उसे लेफ्ट साइड में लेके गए तो ये हो जाएगा साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय म्यू. ठीक है, IC मीन्स होता है दिस इज द क्रिटिकल एंगल, एंड म्यू मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है, उसके ऊपर के हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अभी. ठीक है, नाउ द न्यूमेरिकल ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ इट्स क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री. ठीक है, ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको, न्यूमेरिकल को कैलकुलेट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, ऑफ ग्लास इट्स क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, कितना है 42 डिग्री. ठीक है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन म्यू की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, इट्स क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल हम डिनोट करते हैं आई सी इज इक्वल टू कितना है, 42 डिग्री. ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्रिटिकल एंगल का. ठीक है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू. ठीक है, अभी हमारे पास कौन सी, म्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और आईसी की वैल्यू हमें हमारे पास है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, म्यू की जगह साइन आईसी लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
साइन आई सी। ओके, नाउ वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन आई सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 42 डिग्री। ओके, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कैल्सियम हम अभी वैल्यू एंटर करेंगे। ओके, ठीक है, डिवाइडेशन का साइन सबसे पहले डिवाइडेशन में है इसलिए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय साइन साइन, ठीक है, साइन कितना है 42, 42 ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। ओके, देख पा रहे हो बेटा, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है, कितना आया, इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1.49, ठीक है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। ओके, हमने क्या क्या किया एक बार देख लो, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। हमारे पास म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है और साइन आई सी की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया साइन 42 कैल्सियम, इसको वैल्यू को एंटर किया तो हमें आंसर क्या मिला, 1.49। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके बेटा।